मध्य प्रदेश में निवेश बढ़ाने और उद्योग स्थापित करने को लेकर शिवराज सरकार लगातार काम कर रही है। इस कड़ी में भारत सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से अमृत महोत्सव के तहत वाणिज्य सप्ताह कार्यक्रम का आगाज हुआ। 30 सितंबर तक चलने वाले इस साप्ताहिक कार्यक्रम की शुरुआत भोपाल के मिंटो हॉल से हुई। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, एमपी के उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह दतीगांव, मंत्री ओम प्रकाश सकलेजा समेत उद्योग जगत से जुड़ी कई हस्तियां शामिल हुई। कार्यक्रम में सीएम ने उद्योगपतियों और निवेशकों को कई सौगातें भी दी। मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश ट्रेड पोर्टल और एमपी एक्सपोर्ट हेल्पलाइन का शुभारंभ किया। इससे निवेशकों को निवेश से संबंधित नीतियों के बारे में आसानी से जानकारी मिल सकेगी। जब कभी इस प्रकार की चर्चा होती है तो मैं ऐसा मानता हूं कि ये जो हमारा पूरा सप्ताह चलेगा 20 सितंबर से लेकर के 25 सितंबर तक, तो इसको हम मध्य प्रदेश से भारत सरकार का जो वाणिज्य मंत्रालय है और मध्य प्रदेश सरकार के साथ मिलकर के एक साथ इस पूरे सप्ताह में ऐसे पूरे कार्यक्रमों को और विशेषकर निर्यातकों एवं जो हमारे उत्पादक हैं उनकी क्षमताओं से हम क्या मध्य प्रदेश को लाभ पहुंचा सकते हैं, इस प्रकार की कल्पना इसके अंदर की गई है। एकागो हब की लंबे समय से बात हो रही है और आई थिंक जो हमारा लैंडलॉक्ड जो हमारे ज्योग्राफिकल लोकेशन है और डेफिनेटली हमें बूस्ट मिलेगा क्योंकि हमारे जो पॉट्स हैं कुछ दूर हैं, ड्राई पॉट्स हालांकि हमारे पास में हैं, उनको और हम बेहतर कर सकते हैं, उस पर और हम कार्य कर सकते हैं। यही आशा अपेक्षा रखता हूं कि इस छोटे से प्रयास से हम वर्जित करेंगे, जिसकी सबको आशा अपेक्षा है। अभी हमने कुछ क्लस्टर फॉर्मेशंस अलग अलग टाइप के बना रहे हैं, चाहे वो रेडीमेड गारमेंट में यार्न और कॉटन से लेकर फाइनल स्टेज तक, चाहे हम फर्नीचर का सबसे बड़ा एशिया का क्लस्टर बनाने का हम प्रयास कर रहे हैं। हम अगर बात करें तो जितने हब्स हैं एशिया की, वन ऑफ द बिगेस्ट मंडी नीमच है, अभी तक हमारे वहाँ से सेमी प्रोसेस मटेरियल जा रहा है, कई कंट्रीज में जा रहा है। इस सप्ताह का मैं मंथन कर करके हम बेहतर कर पाए। मध्य प्रदेश एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का गठन किया जाए, तत्काल प्रभाव से हम लोगों ने फैसला किया और गठन का फैसला हो गया, आज ही इम्प्लीमेंट होगा और गठन भी विद इन ए वीक पूरा करके हम आपके सामने उसको रख देंगे। अभी हम फार्मा, टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर सेक्टर, गारमेंट सेक्टर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी कुछ ना कुछ तो हम एक्सपोर्ट कर ही रहे हैं। लेकिन मुझे एक बता दूं, आपको खुशी है, एमएसएमई और उद्योग विभाग 384 यूनिट तो आपकी आई, जो या तो जिनका शिलान्यास हो गया है, उत्पादन भी कई का उद्घाटन किया हमने कुछ का, तो हमारी ग्रोथ हो रही है।